हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल, फैस्टिव कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस। यस, बिजली के काम के लिए जो जो चीज़ें उपयोग में आती हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो टिपिकल प्रोटेक्टिव या इंटरप्टिंग डिवाइसेस, या तो सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षा कर देंगे, या फिर उसको बीच में से कट कर देंगे, इंटरप्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसका वो कनेक्शन उसका लूज कर देंगे, कुछ भी कर देंगे ताकि आप सुरक्षात्मक तरीके से रहें, आपको झटका ना लगे बिजली का। तो जो चीज़ें मेन उसके काम में आती है वो है रिलेज। सबसे पहली चीज़ रिलेज है, फिर मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर्स में भी काफ़ी वाइड रेंज आती है, ELCB, RCCB, MCPs, ये सब सर्किट ब्रेकर्स के ही टाइप्स है। फ्यूजेस होते हैं, फ्यूजेस भी बहुत अच्छे काम करते हैं। फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, मतलब उसको कुछ खतरा दिख रहा है तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, तो हम बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, तो नया फ्यूज लगाना, तो मतलब वो मेल्टेड फ्यूज को हटा के नया फ्यूज लगाया जाता है और सर्किट को वापस जोड़ दिया जाता है। लो वोल्टेज पावर सर्किट ब्रेकर्स विद इंटीग्रल ट्रिप यूनिट, ट्रिप भी हो जाते हैं। MCP ट्रिप होती है, ट्रिप होकर वो इंटरप्ट कर देती है, सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेती है, फ्यूज जो इंटरप्ट कर लेता है। तो इस तरह से फिर लो वोल्टेज इंसुलेटेड केस सर्किट ब्रेकर्स है, लो वोल्टेज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर्स के टाइप से मोटर सर्किट प्रोटेक्टर्स, थर्मल ओवरलोड, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो को शट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अगर ओवरलोडिंग हो रहा है या ग्राउंड फॉल्ट है सर्किट में, मतलब सर्किट ओवरलोड हो गया है, ग्राउंड फॉल्ट हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो ये शट ऑफ कर देते इलेक्ट्रिकल फ्लो को, राइट, और हमें प्रोटेक्ट कर देते, वरना वो हमारे थ्रू बॉडी से फ्लो हो जाएगा और हमें शॉक लग जाएगा। एग्जाम्पल से ओशास के इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स के, राइट, ग्राउंडिंग पाथ, द पाथ टू द ग्राउंड फ्रॉम सर्किट इक्विपमेंट्स एंड इंक्लोजर्स मस्ट बी परमानेंट एंड कंटिन्यूस। देखिए, इसमें जो है ग्राउंडिंग वाला ग्राउंड जो है वो टूटा हुआ है, तो कंटिन्यूस ग्राउंड में फ्लो नहीं जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। वायलेशन शोन हियर इज एन एक्सटेंशन कॉर्ड विद अ मिसिंग ग्राउंडिंग प्रॉब, ये वायलेशन है, ओशास वायलेशन, राइट। नेक्स्ट, हैंड इलेक्ट्रिक टूल्स, जितने भी हैंड हेल्ड टूल्स है उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है डेंजर का, बिकॉज दे में कंटिन्यूस गुड कॉन्टेक्ट विद द हैंड, क्योंकि हमारे हाथों से लगातार कॉन्टेक्ट में रहते हैं, और अपने आप को शॉक से बचाए रखने के लिए, बर्न्स, शॉक, इलेक्ट्रिक्यूशन से बचाए रखने के लिए वो टूल्स में क्या क्या होना चाहिए, 3 वायर कॉर्ड होना चाहिए विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, एंड बी प्लग्ड इनटू ग्राउंडेड रिसेप्टेबल, और ग्राउंडेड रिसेप्टेबल के रिसेप्टिकल के साथ ही लगा हुआ हो, डबल इंसुलेटेड हो, और लो वोल्टेज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर से पावर किया हुआ हो, ठीक है, हाई वोल्टेज वाले से ना किया। गार्डिंग ऑफ लाइट पार्ट, देखिए लाइट पार्ट है यहाँ पे ना, गार्ड कर दिया इसको, डेंजर, हाई वोल्टेज लगा दिया है, तो इसी तरह से होना चाहिए। लाइट पार्ट जितने भी है ना, 50 वोल्ट्स पे चल रहे हैं जो, या उससे ज्यादा पे, उसमें एक्सीडेंटल कॉन्टेक्ट ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कैपिटेड इंक्लोजर बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो भी अप्रूव्ड होने चाहिए। लोकेशन ऑफ परमानेंट पार्टीशंस मेकिंग देम एक्सेसिबल ओनली टू क्वालिफाइड पर्सन, देखिए ये ऐसा पार्टीशन कर दे रहे, सब यहाँ पे ताला वगैरह लग गया है, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन जाएगा, जिसके पास चाबी वही जाएगा, चाबी क्वालिफाइड पर्सन को दे दीजिए। इलिवेशन ऑफ 8 फीट और मोर अबव द वर्क और वर्किंग फ्लोर और वर्किंग सर्फेस, 8 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे काम कर रहा है, इन सब चीजों पे आपको गार्डिंग की जरूरत है। मार्क एंट्रेंसेस टू गार्डेड लोकेशंस विद कॉन्स्पिक्यूअस वार्निंग साइंस, देखिए यहाँ पे एंट्री का है, तो एंट्री पे उन्होंने यहाँ पे ये लगा दिया वार्निंग का साइन, तो ये सब जरूरी है। गार्डिंग ऑफ लाइट पार्ट, सब देखिए, मस्ट इंक्लोज और गार्ड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इन लोकेशंस वेयर इट कैन बी एक्सपोज टू फिजिकल डैमेज, ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्सपोज तो है ना, इसको कवर करना पड़ेगा। वायलेशन शोन इज अ फिजिकल डैमेज टू कंड्यूट, कंड्यूट को फिजिकल डैमेज हो गया है ये कंड्यूट वायर को, राइट, तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर कैबिनेट्स, बॉक्सेस एंड फिटिंग्स, देखिए किस हालत में है ये बॉक्स, ना कवर है ना कुछ है, साफ सफाई भी नहीं है, ये जंक्शन बॉक्स, पुल बॉक्स और फिटिंग्स पे कवर होना चाहिए, वो भी कवर्ड अप्रूव्ड वाला होना चाहिए। अनयूज्ड ओपनिंग्स इन कैबिनेट बॉक्सेस एंड फिटिंग्स मस्ट बी क्लोज्ड, नो मिसिंग नॉकआउट्स, इस पे अनयूज्ड का ओपनिंग नहीं होना चाहिए। फोटो शोज वायलेशन ऑफ दीज 2 रिक्वायरमेंट्स, ये 2 रिक्वायरमेंट का वायलेशन हो रहा है। फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स जो है ये फिक्स्ड वायरिंग से ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में होती है, ज्यादा अपने लिए नुकसानदायी हो सकती है। डू नॉट यूज इफ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड वायरिंग मेथड्स कैन बी यूज्ड इंस्टेड, अगर आपके पास रिकॉग्नाइज वायरिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था है और लगा सकते हैं, तो प्लीज आप फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स मत यूज कीजिए, आप वही फिक्स वायर यूज कीजिए। फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स कैसे डैमेज हो सकती है, वक्त के साथ डोर या विंडोज वगैरह में अटक के, फंस के उसने नुकीली एजेस से, उस पर स्टैपल या फास्टनिंग कर दी हो, कुछ भी कर दिया हो, एब्रेशन हो गया हो कुछ आसपास के मटेरियल से, कुछ भी एक्टिविटीज वहाँ पर ऐसी हो एरिया की वो जो है जल्दी डैमेज हो रही हो। इम्प्रॉपर यूज ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स कैन कॉज शॉक, बर्न्स और फायर, और इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है तो बर्न्स फायर होने के बहुत चांसेस है शॉक लगने के।
देखिए ये फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स है कुछ, राइट, पेंडेंट और फिक्स्चर वायरिंग, इसमें आप यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स को। पोर्टेबल लैंप्स, टूल्स, अप्लायंसेस में यूज कर सकते हैं। स्टेशनरी इक्विपमेंट टू फैसिलिटेट इंटरचेंज फैसिलिटेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये परमिसिबल यूजेज है कुछ फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स के। अब जहां यूज नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड वायरिंग का सब्स्टिट्यूट बना दिया उसको, वैसा मत करिए। वॉल्स वगैरह से रन करके, सीलिंग, फ्लोर्स, डोर्स और विंडोज से रन करके उसको ले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए दरवाजे के यहाँ से ले गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कंसील्ड बिहाइंड और अटैच्ड टू बिल्डिंग सर्फेसेस, उसको बिल्डिंग के पीछे लगा दिया, कंसील कर दिया, राइट। ये देखिए वॉल्स वगैरह से निकाल के ले गए उसको ऐसे, और फिर यहाँ पे पीछे की साइड से ले गए, कंसील करके छुपा के इस तरह से, मतलब दीवार के पीछे से, तो वो नहीं समझ पड़ेगा। दिस आर प्रोहिबिटेड यूजेस ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स। नेक्स्ट इज GFCIs, दैट इज ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। मोस्ट फैसिलिटीज विल अलाउ रीसेटिंग द GFCI वन टाइम, वेरीफाई विद योर फैसिलिटी। देखिए GFCI को आप एक बार खुद से रिसेट कर सकते हैं, अगर लेकिन ये दूसरी बार ट्रिप हो गया है तो फिर आप किसी क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल वर्कर को दिखाइए, इलेक्ट्रिशियन को दिखाइए, ठीक है। क्योंकि अगर ये ट्रिप हुआ है, मतलब ये आपकी सुरक्षा के लिए ट्रिप हुआ है, और बार बार इसको रीसेट करना अलाउड नहीं है। एक बार आप कर दो, पर बार बार नहीं करना चाहिए GFCI को। नेक्स्ट इज सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग्स, ठीक है। एनी टाइम अ सर्किट हैज बीन डीएनर्जाइज्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ एन ओवर करेंट प्रोटेक्टिव डिवाइस सच एज अ फ्यूज और सर्किट ब्रेकर बाय अ शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट, द सर्किट मस्ट बी चेक्ड बाय अ क्वालिफाइड पर्सन टू डिटरमाइन इफ इट कैन बी रीएनर्जाइज्ड सेफली। देखिए अगर आपका कुछ भी है सर्किट डिवाइस, जो भी आपने प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा रखा है, ठीक है, जो भी आपने SCB लगा रखा है, देखिए सर्किट ब्रेकर आपने जो भी लगा रखा है, वो किसी भी कारण से सपोज ट्रिप हुआ हो, तो उसको खुद से मत चालू करिए, उसको किसी क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन को बुला के पहले चेक करवाइए कि वो ग्राउंड फॉल्ट के कारण हुआ है, शॉर्ट सर्किट किस कारण से हुआ है, ओवरलोडिंग के कारण हुआ है, जो भी है वो खुद बताया। रिपीटेटिव मैनुअल रीक्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर सो रीएनर्जाइज सर्किट थ्रू रिप्लेसिंग फ्यूजेस प्रोहिबिटेड। तो देखिए बार बार अगर आप उसकी जगह पे फिर हटा के वहाँ पे फ्यूज लगा देंगे तो वो सही नहीं है। घरों में ज्यादातर करते हैं लोग, इंडस्ट्रीज में भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर पर, इंडस्ट्रीज में भी ये चीजें होती हैं। सर्किट ब्रेकर्स का ट्रिपिंग, अभी ये देखिए, इफ यू आर अलाउड टू रीसेट सर्किट ब्रेकर और अदर इलेक्ट्रिकल स्विचेस पोजीशन योरसेल्फ इन द सेफेस्ट लोकेशन पॉसिबल। अगर आपको आपको परमिशन है कि आप उसको रीसेट कर सकते हैं, रीसेट करते टाइम भी सेम डिस्टेंस पर खड़े हुए, ठीक है, नेवर स्टैंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ और रिएक्शन अक्रॉस डिवाइस, हमेशा डिवाइस के फ्रंट में मत खड़े हुए, क्योंकि वहां पे आर फ्लश का भी खतरा है, शॉर्ट सर्किट तो खैर है सही, आर फ्लश का भी खतरा हो सकता है, तो वो सामने के साइड होगा, तो एटलीस्ट यू कैन बी प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, ठीक है। सब कुछ फैसिलिटीज में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कौन उसको ऑपरेट करेगा, ब्रेक करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायर, कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड बी क्लियर कि आपके पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल हो। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के कुछ इक्विपमेंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला है AC का वोल्टेज सेंसर, दूसरा है पोर्टेबल GFCIs, यस पोर्टेबल्स भी आते हैं, तीसरा है आउटलेट टेस्टर, फोर्थ है नॉन कंडक्टिव लैडर रेल्स, ठीक है, इसमें मतलब आपको करंट नहीं लगेगा। फिर है AED, दैट इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, अगर शॉक लग जाए किसी को तो उसकी धड़कन है, सांसें वापस लाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड, ओके, एंड दीज आर अप्रूव्ड एज पर OSHA's रिक्वायरमेंट। फिर और भी देखते हैं हम, इंसुलेटिंग ग्लव्स, ये ग्लव्स है इंसुलेशन वाले, देखिए अलग तरह के ग्लव्स आते हैं, और इनकी जो है एक रेंज होती है, कितने वोल्टेज पे कौन सा ग्लव्स यूज करना है और कितने टाइम के लिए यूज करना है, उसको डिस्कार्ड करना होता है या फिर वापस टेस्ट करवाना होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्लेम रिटार्डेंट क्लोथिंग, ठीक है, फिर आर्क ब्लास्ट फेस शील्ड एंड हेलमेट, ठीक है, ये रेस्क्यू हुक्स रहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इक्विपमेंट्स है। और भी ये कुछ वार्निंग के साइंस है, ये है टूल्स है इंसुलेटेड, ये मीटर्स है, मल्टीमीटर्स वगैरह, और ये सब कुछ और चीजें हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के गियर्स और ये सब। फिर इंसुलेटेड टूल्स के टेस्टिंग भी होती है, इंपैक्ट टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट, फ्लेम रिटार्डेंसी टेस्ट, स्टैम्प टेस्ट, इलेक्ट्रिकल टेस्ट, ये सब टूल्स की टेस्टिंग होती है। इन टेस्ट से गुजरने के बाद ही टूल्स को इंसुलेशन किया जाता है, उसे इंसुलेटेड माना जाता है, ठीक है, मतलब एक एक चीज आपके पास जब आती है कोई स्टैंडर्ड वाली, तो वो इतनी चीजों से गुजरने के बाद ही आती है। तो होप आपको ये वाली चीजें क्लियर हुई होंगी।
ये वाले लेक्चर में जो हमने बातें की थी सर्किट ब्रेकर स्ट्रिपिंग की, फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स के यूज़ की, इसकी आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।